मुझे तो लूट लिया मेरे सागर वालों ने, क्योंकि ये हुस्न वाले हैं, हुस्न वाले हैं। हुस्न किसे बोलते हैं? हुस्न किसको बोलते हैं? हुस्न किसको बोलते हैं मालूम? मुझे तो लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने, हुस्न ने चहेतों ने। किन ने लूट लिया? मुझे तो चहेतों ने लूट लिया, मुझे तो लूट लिया मेरे। बोलो सागर वाले चहेते हैं कि नहीं? थोड़ा उजोर से और अच्छा लग रहा है। मुझे तो मिल के लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। बहुत मुश्किल, चोरों से लूट जाने का उतना गम नहीं होता हम, जितना चहेतों से लूट जाने का गर्म होता है। क्योंकि दुश्मन लूट ले तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो लूटने के लिए, लेकिन चहेतों से लूट जाए, भक्त से भगवान लूट जाए, शिष्य से गुरु लूट जाए, बेटे से बाप लूट जाए, यही दुर्भाग्य। गुरु किससे लूट गया? भगवान किससे लूट गया? बाप किससे लूट गया? बेटे से। दुनिया किससे लूट गई? दुनिया वालों से। दुनिया किससे लूट गई? दुनिया वालों से। घर किससे लूट गया? घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने, अब कौन होगा? घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने, जो घर के चिराग थे वही भभक पड़े, और अब इसको कौन बुझाएगा? घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने, घर के चिराग भभक उठते हैं, फिर उस घर की बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए महानुभाव, दुनिया के चिराग भभके तो भभके, घर के चिराग को मत भभकने देना, नहीं तो स्वाहा, फिर जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए जलम नरूपांती, वो जल काम नहीं करेगा। दूसरों के दीपक से लगी हुई आग जल से बुझ जाती है, स्वयं के दीपक से लगी हुई आग में भक्तांबर काम नहीं करता। तो नाम है कीर्तन जलम शमयत शेषम, खुद के दीपक से आग मत लगने ना। और ज्यादातर आग किससे लगती है? ज्यादातर लोग बर्बाद कब से होते हैं? घर से, भाई से, अपनों से। घर का जब भी बर्बादी होगी कोई अपना होगा, समाज जब भी बर्बाद होती है समाज से कोई व्यक्ति से होती है, गुरु जब भी बर्बाद होता है किसी शिष्य से होता है, भगवान जब भी बदनाम होता है किसी भक्त से होता है। ये नियम मना लो। इसलिए मुझे तो लूट लिया, मुझे हुस्न वालों ने, महानुभाव समझो। अब यदि तुम बालक बन गए हो तो फिर बालक हो, समय अभी आपका हो रहा है, इसलिए मैं अभी उस पॉइंट पे आने का प्रयास करूंगा जहां तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि तुम लूट चुके हो, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें लूट लिया है। जिसके लिए तुमने आंखें चाही थीं, वे आंखें तुम्हारे काम, जिस बाप से तुमने राजनीति सीखने का बात किया था उसी बाप ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए हैं। जिसको तुमने अच्छे के लिए सोचा था कि पापा मुझे नेता बनाएगा, क्या खाक नेता बनाएगा पहले तो, और पापा कहते हैं बेटा अब तू सही में नेता बन जाएगा, दुश्मन पैर तोड़ेगा तो नेता नहीं बनेगा, बाप पैर तोड़ेगा तो जरूर तू नेता बनेगा। लूट गया अपना, अपना ज्ञान हमें लूट लिया। मैंने ज्ञान प्राप्त किया था कि मैं अपने स्व चतुष्टय को जानूंगा, मैं अंतरंग चेतना को जानूंगा, लेकिन मेरा ज्ञान मेरे स्व चतुष्टय को जानने से इनकार कर दिया। पर को जान लूंगा, स्वयं को नहीं जानेगा। हमारा खुद का ज्ञान, हमारी खुद की आंखें नकार रही हैं, हम तो लुट जाएंगे, लुट रहे हैं। और जब लुटने की उम्मीद आ जाए महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब लुटने की उम्मीद आ जाए और अपनों से लुटने की उम्मीद आ जाए, अपनों से लुटने की उम्मीद, बस यहीं से तुम्हारा
बहुत बड़े विवेक का काम है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई भी लूट सकता है, कोई भी लूट सकता है, लेकिन जब अपनों से लूटने की बारी आवे, अपनों से लूटने की बारी जब आवे, बस यहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। क्या तुम्हें कभी फीलिंग हुई, क्या अनुभव में आया कि तुम अपनों से लूट रहे हो? परायों से लूटने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम्हारे अनुभव में है, वो तो तुम जानते हो कि पराया कभी भी लूट सकता है, चोर कभी भी लूट सकता है, डाकू कभी भी लूट सकता है, वो तो आदतन अपराधी है। क्या जिंदगी में कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनों से लूट रहा हूं? अपनों से लूट रहा, जो तुम्हारे हैं वो तुम्हें लूट रहे हैं, जो तुम्हारे लिए थे वो तुम्हारे काम नहीं आ रहे, ऐसी अनुभूति हुई जिसको तुमने अपना कहा था मेरा है, अब वो, और तुमने अपने लिए कहा था वो तुम्हारे काम नहीं आ रहा है। अध्यात्म संसार दोनों जोड़ते जाना, मैं पुचकारता भी हूं, पिटाई भी, हंसा हंसा के मारता हूं। वो कहते ना पानी पिला पिला के, तो अभी मैं तुम्हारी पानी पिला पिला करके धुलाई कर रहा हूं, क्योंकि तुम मर मत जाना इसलिए बीच में पानी पिलाता हूं, लेकिन तुम अकड़ मत जाना इसलिए दो तीन दे देता हूं, और दोनों चीजें चल रही एक साथ। तो कभी महसूस हुआ तुम्हारे घर में कि तुम अपनों से बर्बाद होने वाले हो, अपने बेटे से तुम बर्बाद होने वाले हो, बेटा तुम्हें लूटने वाला है, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें लूटने वाले हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें लूटने वाला है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को लूटने वाले हैं, कभी महसूस हुआ? यदि हुआ हो तो नोट कर लेना, यहां से तुम्हारे लिए मात्र इस लूटने से बचाने का मात्र एक साधन है, वो है भगवान, गुरु और साथ। कोई नहीं बचा पाए, तुम भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि आग किस दीपक से लगी है? स्वयं के दीपक से लगी है। तुम लुट किससे रहे हो? कोई नहीं बता पाएगा। तुम दुनिया में भटके होते, तुम दुनिया में भटके होते, कोई तुम्हें ठोर ठिकाने पहुंचा देता, तुम तो खुद के घर में भटके हो, कैसे ठोर ठिकाना पाओगे? दुनिया में भटके होते तो कौन बता देता? कोई सेवा दल वाला आता, पुलिस वाला आता, एड्रेस पूछता, तुम्हें पहुंचा देता। लेकिन पुलिस और सेवा दल की सीमा सड़क तक है, चौराहे तक है, लेकिन घर में भटकने वाला? तुम तो खुद के घर में भटक गए हो, खुद के घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? तुम तो अपनों से लूट रहे हो, कौन तुम्हें बचाएगा? तुम तो अपनों से लूटा है, कहां FIR लिखाओगे? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें लूटा है, अब जाओ थाने, बोले साहब मैं लूट गया, किस पे शक है? तो सुना, कम सुनता हूं मैं, निकल सकेगा मुंह से? बाप हो, निकल सकेगा मुंह से? कितने बाप हैं जो बेटों से लूट करके चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होगा, बेटा कितनी लूट ले चुप बैठता है, क्योंकि बाप तो कैसे कहे कि मेरे बेटे ने लूट लिया, मेरे अपने ने लूट लिया? कोई आग लगा जाता तो FIR लग जाती, स्वयं के दीपक से आग लगी है, अब बताओ क्या कहोगे? बोले आग किससे लगी? मेरे खुद से, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लूट रहे हैं हम खुद अपनों से लूट रहे हैं, अपनी आंखों से लूट रहे हैं, अपने ज्ञान से लूट रहे हैं, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आ रहे हैं, मेरे किसी काम में नहीं आ रहे। बस महानुभाव, अंत का वक्तव्य करके कि जब भी तुम्हें ये महसूस हो कि तुम अपनों से लूट रहे हो, बस कोई नहीं बचा पाएगा, तुम भी बचने की चेष्टा मत करना, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। दीपायन मुनि की आग को तुम नहीं बुझा पाओगे,
क्योंकि वो आग तुम्हारे राजकुमारों ने लगाई है, वो तुम्हारे आग राजकुमार की मदहोशी ने लगाई है, शराब के नशे में आकर के द्वारका के राजकुमारों ने शराब के नशे में आकर के एक मुनि को छेड़ा था, शराब के नशे में आके छोड़ा था राजकुमारों ने। राजगद्दी के रक्षक, अयोध्या के रक्षक, अयोध्या के भावी राजा, राजा का अंश, राजा के वंश ने ये गलती की है, मुनराज को छेड़ा और वो जो आग भड़केगी, बलराम कहते हैं कृष्ण से, क्या गजब का सिद्धांत है। हरिवंश पुराण पूज्य अर्जुन सेन स्वामी, जब श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से समुद्र का पानी द्वारका पर फेंकते हैं, तब बलराम कहते हैं कृष्ण व्यर्थ है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता, मम्मी पापा को तो बचा लूं, देवकी और वासुदेव को आकाशवाणी होती है नहीं बचा पाओगे, मां दो बचेंगे, दो बचेंगे, कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये आग स्वयं के दीपकों से लगी है, ये आग अपने लोगों ने लगाई है, अब कोई नहीं बचा सकता। ओह क्या, हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण बलराम द्वारिका को अपने मम्मी पापा को जीवित जलता हुआ देख रहे थे, जीवित जलता देख रहे थे अपने माता पिता को, अपनी प्यारी द्वारिका को जीवित जलता देख रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो आग किसने लगाई थी, स्वयं के राजकुमारों की भूल से हुई थी, स्वयं के राजकुमारों के नशे से हुई थी, स्वयं की भूल से हुई थी और स्वयं के लोगों ने लगाई थी। वे राजकुमार किसके थे, द्वारका के, वो राजकुमार किसके थे, वो राजकुमार किसके थे, श्री कृष्ण के, वो राजकुमार किसके थे, बलराम के, वो राजकुमार किसके थे, राज्य के, उनके द्वारा लगाई हुई, उनके द्वारा की हुई भूल कोई नहीं बचा सकता। मां सामने जलते देखा रोंगटे खड़े हो जाते, और वो आग दीपायन की आग एक नशे में मदहोश होकर के एक एक एकदम क्रोध नहीं आया महाराज को, एकदम क्रोध नहीं आया, बहुत भावलिंगी महाराज थे वो, भावलिंगी संत थे वो, रिद्धिधारी महाराज थे वो, छोटी मोटी बातों से क्रोध नहीं आता, पर इतनी सीमा हो गई, इतनी सीमा हो गई, इतनी सीमा हो गई कि एक के बाद एक पत्थर, एक के बाद एक पत्थर मारते गए, मारते गए, मारते गए, जब महाराज गिर गए, तब महाराज ने कहा, क्या समझते हो, अहिंसा को कायरता मत समझना रे, अहिंसा को दया समझना। और जब उन महाराज ने कहा क्या समझते हो, उसी समय बाएं कंधे से आग का पुतला निकलता है, सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, बलराम और श्री कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए और जाके वनवास की तरफ चले गए, क्योंकि वो आग ऐसे लोगों ने लगाई जो उनके खुद के थे, और किसमें लगाई, जो जगत कल्याणी थे, किसको छेड़ा, जगत कल्याणी को, किसको छेड़ा, परम उपकारी को, किसको छेड़ा, सारी दुनिया के आराध्य उपास्य को, किसको छेड़ा, जो एक चींटी पर भी दया करते हैं, जो छेड़ा उसको छेड़ा, और किन्ने छेड़ा, ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। अब इस आग को बुझाने के लिए कभी तुम्हें महसूस हो कि मैं खुद अपनों से लुट रहा हूं, मेरी आंखें मेरे काम नहीं आ रही हैं, मेरा ज्ञान मेरे काम नहीं आ रहा है, तब तुम कहीं भी प्रयास मत करना, तुम समझाने का प्रयास मत करना, ये आंखें नहीं समझेंगी, तुम राजकुमारों को समझाने का प्रयास मत करना, वो नशे में है वो नहीं समझेंगे, वो नशे में है वो नहीं समझेंगे, तुम आंखों को समझाने का प्रयास मत करना, कभी नहीं समझेगी कि आंख
तूने मेरे लिए तुझे चाहा था, कम से कम मेरा चेहरा तो दिखा दे। नहीं समझेगा, नहीं ज्ञान समझेगा तुम्हारा, समय बर्बाद मत करना। लेकिन समझाना तो है, अब आज नहीं, एक रात और मूर्ख बने रहो, कल शायद तुम्हें बचा लूं, शायद तुम्हारे लूट का माल, शायद तुम्हारे लूट का माल वापस दिला दूं, शायद तुम्हारा खोया हुआ बेटा तुम्हारे घर पहुंचा दूं, शायद कह रहा प्रयास करने का, तुम्हारा खोया हुआ बेटा घर पहुंचा दूं, बेटे ने जो लूटा है वो वापस करा दूं, शायद तुम्हारी आग लगे हुए आग पर कोई ऐसा मंत्र आ जाए मेरे दिमाग में, जिस मंत्र से तुम्हारा यह है, मंत्र तो है, कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम दावा नलम ज्वलत मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम है, फिर आएंगे ना, दावा नलम ज्वलत मुज्ज्वल विश्वम जगत स्वमेव सम्मुख माप तंतम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक। मानतुंग आचार्य पहले से जानते थे कि कहीं आग लगेगी ये श्लोक काम आ जाएगा, लेकिन उसको सिद्ध करना है ना, सिद्ध करने की बात अपन सोचेंगे। आज जो दूसरी बात कहना थी, अब कल परसों आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, बोलो वो किन किन के गुरु थे, थे के नहीं? अच्छा ये और बता दो, मैं किसका चेला हूं? झूठ बोले कौआ काटे, तो बस अब ये बताओ, हमने तुम्हारे ऊपर ज्यादा उपकार किए हैं या पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्याचार्य? झूठ मुंह देखी मत करना, थोड़ा और बोलो, आचार्य सीखे, मैं ज्यादा उपकार किए तुम्हारे ऊपर के आचार्य सिंह ने? आचार्य सिंह ने। तो अब परसों तुम्हारी बारी है, जब उनके चेले की ऐसी आगवानी हो सकती है तो उनके गुरु का दीक्षा दिवस कैसा होना चाहिए ये बताओ। कल तुमने चेले के लिए, कल ही आए थे परसों, परसों आया था, सारे भारत में एक ही बात इतिहास बना दिया सागर वालों ने, मैं खुश नहीं हूं। ऐसे हो हल्लड़ में यदि खुश हो जाए तो बोलो, मैं तुम्हारे सागर आया, तुम खुश हो कि नहीं, सौभाग्य है कि नहीं, धन हुए हो कि नहीं? पर अब तो एक कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हमने तुम्हें धन किया है आकर के, मैंने धन, काश सोचो कभी यदि मैं नहीं आता तो सागर में आज क्या हो रहा होता। अब वो सबको मालूम है, सब कांप रहे कि यदि महाराज यदि आप नहीं आते तो इस साल, अगले साल, पहले साल की नहीं, इस साल कुछ ऐसा माहौल बन गया, यदि बाहर से निकल रहा होता तो पता नहीं क्या होता, उसकी कल्पना नहीं रह सकती। तो देखो मैंने उस हंगामे को बचा लिया ना आके, बोलो थोड़ा तो बोलो रे। अच्छा मुझे आने से तुम धन हुए कि नहीं, बहुत सौभाग्य कि नहीं? अभी तुम्हारे पे कर्जा हो गया मेरा, ये व्यवहार कहलाता है, और व्यवहार व्यवहार क्या कहलाता है, और व्यवहार हमेशा लौटाया जाता है, और जो व्यवहार नहीं लौटाता ध्यान रखना, साहूकार का कर्जा लेके मर जाना लेकिन व्यवहार लेके मत मरना। अब व्यवहार चढ़ गया मेरा, अब कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि मैं कह उठूं कि मैं सागर आकर के धन हो गया, मैं कह सकूं कि मेरा सागर आना मेरा सौभाग्य है। ये जब मेरे मुंह से निकले तो समझ लेना व्यवहार का लेन देन, अब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कम मानूंगा। जब कल जो तुमने परसों आगवानी की है उससे दस गुनी
पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाना है। आज सवेरे छुल्लक जी ने और कुछ स्मरण दिलाया, हम तो सामान मनाने के में थे, मैंने कि सागर वाले हैं बेचारे गरीब आदमी हैं, सीधे साधे लोग हैं, क्यों उनको इनको परेशान करें, क्योंकि वैसे ही जले हुए बैठे हैं, वैसे ही घर के लोगों से लुटे हुए बैठे हैं, स्वयं लुटते हैं और अपनों को भी लूटते हैं। फिर महाराज तो अब एक ऐसा दीक्षा दिवस मनाए जो भारत में आज तक नहीं मनाया गया, वो इसलिए क्योंकि सामने जब कोई रहता है तो दुनिया हुस्न मना लेती है, जाने के बाद पीठ पीछे यदि कोई उनको याद करे तो वो सच्चा भक्त कहलाता है। मुंह देखी तो जय जिनेन्द्र सब कर लेते हैं, सामने पूज्य गुरुदेव थे, अपन लोग बड़े बड़े उनके दीक्षा दिवस मनाते थे क्योंकि उनको खुश करना था ना, वो तो मुंह देखी थी। आज गुरुदेव को गए जाने के बाद पहला दीक्षा दिवस पड़ रहा है, 57 पहला है, अपन तो इसको पहला मान के चले कि गुरुदेव के जाने के बाद आज यदि हमने उनके दीक्षा दिवस को ऐतिहासिक महोत्सव कर दिया तो सच्चे भक्त कहलाओगे, नहीं तो वो मुंह देखे भक्त कहलाओगे। सब मुंह देखे थे, महाराज थे तो जय हो, अब महाराज गए तो गए, अब क्या करना, कई लोग भूल गए महाराज को, आचार्य जी को भूल गए, नाम ही भूल गए, वो तो सत्ता पलटी या बोर्ड उतरे। हाँ एक बार मैंने जब बिहार करता था ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ले लो, एक बार मैंने जब बिहार करता था तो पूरे रोड पे अटल बिहारी के बैनर लगे रहते थे, वो बोर्ड लगते थे, और बिहार करते करते शाम को मैंने देखा दूसरे दिन फिर बिहार हुआ, मैंने कि आज तो बोर्ड ही नहीं दिख रहे, बोले मैंने पार्टी बदल गई, उनके बाद दूसरी पार्टी आ गई ना, यानी एक रात में अभी शपथ समारोह नहीं हुआ और बोर्ड बदल गए। जिसने इतना बड़ा उपकार किया कि आज सागर में, आज जो भारत में रोड है वो किसकी उपज है, और लेकिन जैसे ही सत्ता बदली एक रात में बोर्ड उतर गए। ऐसे ही तुम लोग हो, गुरु चलेगा बोर्ड बदल दिए, अब आज को आज व्यक्ति को गुरु का फोटो है कि नहीं इस पर ध्यान नहीं है, गुरु किसे बोल रहा है कि नहीं इसका कोई खबर नहीं है, गुरु का नाम ले रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। ये है राजनेता, ये है राजनेता, और सच्चा बेटा वो कहलाता है जो गुरु के जाने के बाद भी 7 पीढ़ी तक भी नहीं भूलता है। कल का परसों का महोत्सव एक ऐसा हो जो मेरी कल्पना में आया है कि गुरु को मैं दिखाना चाहता हूं, गुरुदेव मैंने आपके सामने भी कभी ऐसा आपका दीक्षा दिवस नहीं मनाया, जो आपके जाने के बाद बनाऊंगा, यह मेरी भक्ति है। आज तक और ऐसा जलूस कि मेरा नेचर है, मैं अपना खुद का रिकॉर्ड खुद पीछे करता हूं, परसों का रिकॉर्ड से मुझे बहुत जलन है, परसों के रिकॉर्ड से मुझे आग लगी हुई है, जब तक परसों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा मुझे शांति नहीं पड़ेगी, और परसों का रिकॉर्ड टूटेगा परसों यानी 11 तारीख को एक ऐसा रिकॉर्ड आज तक मैंने नहीं किया। इस महोत्सव यहां से महोत्सव शुरू हो, जहां से भी बाहुबली कालोन जो भी स्थान बनता, यहां से जलूस शुरू हो, बाहुबली कालोन से यहां से जलूस शुरू हो, और ये जलूस पूरे शहर में घूमता हुआ मंगलगिरी पहुंचे, और जलूस ऐसा वैसा नहीं हो, जलूस होगा आज तक भगवान का गजरथ निकला है, आज भगवान के गजरथ में हम बहुत बार चले हैं, भगवान के गजरथ में हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बार आगे चले, माँ चले हैं कि नहीं, पंचकलाना सागर में भी चले, जब भगवान का गजरथ चलता था तो हमारे गुरुदेव संग सहित कहाँ चलते थे, आगे चलते। आज भगवान से कहना है मेरा कि भगवान मेरे गुरुदेव आपके रथ में हमेशा चले हैं, 11 तारीख को आपको रथ में बैठना है मेरे गुरु के खातिर, मेरे गुरु के महोत्सव में आपको बैठना है, अन्यथा ध्यान रखना भगवान
गुरु के चेले की कोई मर्यादा नहीं होती। भगवान से कहना भगवान आप चुपचाप, और ऐसा कर दिया जो सागर में कभी भी कभी एक आध बार चला जाता था, तो बहुत पहले 95 सड़कों पर गजरत की फेरी देखी होगी 11 तारीख को, नगर भ्रमण हो गजरत के द्वारा, भगवान हाथियों गजरत पर बैठकर और मंगलगिरी पहुंचेंगे। परसों के दिन प्रातः काल प्रत्येक घर के अंदर कम से कम 5 दीपक जलेंगे और प्रत्येक सागर का व्यक्ति अपने घर के सामने परसों के दिन सुबह उठ करके रंगोली फेरेगा। उठते ही पहले रंगोली होगी, घर का कोई सदस्य निकले उसका सगुन रंगोली से हो, तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई निकले उसका रंगोली हो, और वही आचार्य श्री का शुभ संकेत होगा तुम्हारे आशीर्वाद। प्रत्येक घर में एक घर, और जिस घर के सामने रंगोली और दीपक नहीं हुआ समझ लेना वो आचार्य श्री का था नहीं, और वो मुंह देखी कर रहा था, आचार्य श्री गए। सब महिलाएं ध्यान रखना, तुम लोग सुबह उठते ही पहला काम करना है हर घर में, वो मोहल्ला कहाँ है, शनिश्री टोली पे है, गोपालगंज में है, सुभाषगंज में है, कहाँ है कोई मतलब नहीं, जहां जैनी है। और आज प्रत्येक जैनी के लिए परसों की सूचना अपने मोबाइल पर रिश्तेदार को देना है कि अपने आचार्य महाराज की ऊपर सुबह 5 कम से कम 5 दीपक, कम से कम 36 जलाओ तो कोई आपत्ति नहीं, 5 दीपक और रंगोली। दूसरा कार्य है, पूरे सागर पर आचार्य श्री का उपकार है कि नहीं, कौन सी कॉलोनी पर नहीं है, है? सब पर है। तो बस कल हर मंदिर के भगवान, भगवान के दीक्षा दिवस पर हर मंदिर की पालकी अलग होगी, उनकी महिलाएं अलग अपना कार्य कर, महिलाएं अपना पूरा जो भी आइटम लेते हैं ना, क्या हम बोलते हैं, अष्ट द्रव्य है, कोई मंगल है, कोई प्रातिहार है, कुछ भी, और वो अपनी पालकी के आगे चलेंगे, उनका खुद का बैंड होगा, खुद का ढोलक होगा, खुद की महिलाएं चलेंगी, खुद का बैनर होगा। आज आचार्य श्री के 97वें दीक्षा दिवस पर आपके भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज के जलूस में शामिल होंगे आपके भगवान, और भगवान न सुने तो फिर कह देना भर ध्यान रखना ये फरमान किसने जारी किया है। हाँ यदि तुम्हारे भगवान नहीं सुने तो कहना भगवान, वो कहेंगे देख मुझे नहीं जाना जाना मैं दूर हूँ, बोले भगवान फरमान किसने जारी दिया उसको आप भी जानते हो। हाँ और जैसे ही नाम लोगे ना हमारा तो भगवान कहते चुपचाप रह चल। हाँ तो सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी से अपनी पालकियां तैयार कर लो, यहां नहीं मिले तो बाहर से पालकी मंगा लो, वो लकड़ी वाली पालकियां नहीं, वो चांदी की जर्मन, बहुत आसपास पालकियां हैं, ललितपुर में खूब पालकियां हैं, यहां से अपने अपने मंदिर की पालकी बना लो, या कमेटी पालकी 57 पालकी बुलाना है, और 57 पालकियां चलेंगी और 57 परिवार चाहिए ऐसे। पहला परिवार तो वो कल बताएंगे कौन बनेगा संत शिरोमणि भक्त, कौन बनेगा संत शिरोमणि भक्त, वही गजरत का मुखिया होगा जो भगवान को लेकर सबसे ऊपर बैठेगा और उसके बैनर लगेगा संत शिरोमणि भक्त, और वो 4 व्यक्ति ऊपर बैठेंगे भगवान जी को लेकर के, वो कल डिसाइड करेंगे अपन या शाम को जैसा आपके लोग कहेंगे। और उसके बाद जाकर के बीच के खन में आचार्य श्री बैठेंगे, जिंदा जी नहीं बैठा पाए तो क्या होगा, अपन बाद में बैठा लेंगे। हाँ जिंदा जी अपना बस ही नहीं चला, बोलो कौन व्यक्ति आचार्य जी को जिंदा में रथ पे बैठा पाया, अरे कोई बात नहीं वो जिंदा में नहीं बैठा पाया, उनके जाने के बाद देखें आचार्य विद्यासागर में दम हो तो रोक के दिखाएं। दूसरे खंड में अपन आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र आदि कोई लगा करके, और उनका होगा वो, और प्रत्येक जितने मंदिर हो, अब संख्या मुझे मालूम नहीं, हर मंदिर को अपनी पालकी का रूप लाना, अपना मंडल, अपना बालिका मंडल, अपना महिला मंडल, अपना ढोल और अपना बैनर, और प्रत्येक बैनर की वीडियो बनाई जाएगी, लाइव चलेगा, पूरा भारत देखेगा
कि सागर मुंह देखी करता है कि मुंह पीछे भी करता है। बोलो कौन से मंदिर वाले अपनी पालकी नहीं ला पाएंगे, हाथ उठाए। कौन महिला मंडल है कल वो परसों अपनी पालकी के साथ नहीं चल पाएगा, उनके लिए ट्राई साइकिल में भिजवा दें। क्योंकि विकलांग होंगे तो बड़े गर्व के साथ। और आपको कोई मैं यहां सुबह ठीक 6 बजे आपको इकट्ठे होना है। मैंने पहली बार देखा, मैंने बहुत बहुत बड़ी आगवानी देखी है, लेकिन ऐसी आगवानी 8 किलोमीटर के लंबी आगवानी। अरे मैंने ये सोचा था, महाराज लोगों से कहा था नहीं 4-5 किलोमीटर तो कोई रहेगा नहीं, अपन लोग बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। अरे ये सागर वाले तो सारे जवान पट्टे, 5 बजे ही वहां ऐसा हो गया कि मैं सोच को जाना मुश्किल हो गया। 8 किलोमीटर मकरोनिया कितना है, 8 किलोमीटर वहां से जलूस बना। इतना उत्साह मैंने देखा नहीं था कहीं। जलूस बनता है कहां से, जहां से तुम्हारी सीमा हो जाती है, कहां से 1 किलोमीटर पहले से, 2। लेकिन 8 किलोमीटर का बना। अब पूज गुरुदेव का सवाल है, ये 4 किलोमीटर का बनना है, 4 ही है। और सुबह 5 बजे सबको तैयार होकर अपने घर से निकलना है, 6 बजे ठीक जलूस प्रारंभ हो जाए, जिससे अपन ठीक समय पर वहां पहुंच सके। और वहां जाकर के फिर जो तुम्हें सुनाई देगा वो हम सुनाएंगे और तुम सुनना। जब तक मैं बैठा हूं मुंह बंद रखना और कान खोल के रखना। मुंह खोला तो मैं ध्यान रख तो कल सब लोग परसों 11 तारीख को, क्या ये प्रस्ताव सबको मंजूर है? भोजन पानी की चिंता मत करना, वहां होगी, और नहीं हो तो कल पराठे बना के रख लेना, रास्ते में खाते जाना। हाँ क्या बात है भाई, मैं कमेटी गारंटी तो ले नहीं सकता। यानी व्यवस्था है पूरे सागर, कल दिखा देना है कि सागर में कितनी, परसों कि सागर में कितनी दिगंबर जैन समाज है। और परसों सागर की जैन समाज की गणना मैं खुद करूंगा और घोषणा करूंगा कि सागर में इतनी जैन समाज है, जो अभी यहां नहीं आए हो उन सबको आपको सूचना देना है। नहीं खड़े नहीं हो तो 2-5 मिनट और रुक जाओ, बात बन रही है, कोई मतलब नहीं अभी, 2-5 मिनट का और बात है। परसों के दिन और वह सब जिनको यहाँ नहीं आए हैं उनको आपको सूचना देना है। हर व्यक्ति अपने पूरे सागर में बात फैलाएं कि परसों प्रथम दीक्षा दिवस पूज्य गुरुदेव के ऊपर जाने के बाद, और गुरुदेव को यह दिखा देना है, गुरुदेव आपके सामने भी हम वो रूप नहीं दे पाए, आपके जाने के बाद भी आप बलि चले गए लेकिन आपके भक्त अभी भी जिंदा है। भगवान चला जाए भक्त जिंदा रहता है, तो चिंता मत करना, भगवान को खुशी होती है। बाप मर जाता है, बाप को मरने का गम नहीं रहता क्योंकि बेटा जिंदा है। बेटा यदि जिंदा है तो बाप को मरने का गम नहीं होता, यदि भक्त जिंदा है तो भगवान को मोक्ष जाने की चिंता नहीं होती। आज आचार्य श्री को ये मालूम चले कि यह स्थितियां ऐसी है तो बात सत्ता मालूम चलेगी, अन्यथा तुम लोग वो ही करना, बाप के मरते ही जैसे अटल बिहारी के बैनर उतर गए ऐसा आचार्य सिंह की फोटो उतरवा देना, उनके नाम भूल जाना क्योंकि अब तो तुम्हारी पार्टी बदल गई ना। नेता यही करता है, नेता कहता है महाराज जी हारी हुई पार्टी को क्या याद करना है, आचार्य सिंह चले गए उससे क्या मतलब, जो पार्टी जीती है उससे मतलब रखो, ये कहलाते हैं नेता। और ऐसा नेता बदबू देता है। अपनी पार्टी एक थी, एक है, एक ही रहेगी, जीतेगी भी तो वही पार्टी है और हारेगी भी तो वही पार्टी है। जीत हार का हमें कोई विकल्प नहीं, कुछ लोग रहते हैं चाहे जीते चाहे हारे, पार्टी कभी बदलते नहीं है। अपनी पार्टी भी कौन सी है, हाँ पूज्य गुरुदेव विद्यासागर की पार्टी है, और उनको कायम रखना है। फिर से रिपीट, हर मंदिर की पालकी अपना ग्रुप बना के आओ, और हाँ व्यवस्थाएं जरूर आप कमेटी कर सकते हो, मान लो पालकी बुला करके आप लोग दे दें, बग्गी बुलाकर आप,
अब 57 परिवार ऐसे चाहिए जो आचार्य जी की 56 फोटो लेकर के 57 फोटो लेकर बग्गी में चलेंगे। 57 परिवार चाहिए मात्र ओनली जो आचार्य जी का फोटो लेकर 57 फोटो लेकर के आचार्य जी की जलूस में चलेंगे। तो 57 तो बग्गी हो, 57 पालकियां हो और पीछे से मैं हूं और उसके पीछे गजरथ हो, और ना ट्रैक्टर वाला गजरथ नहीं और नकली हाथी वाला गजरथ नहीं, मैं तो ओरिजिनल स्वयं हूं और ओरिजिनली हाथी चाहिए। ओरिजिनल हाथी आएगा और वो ही रथ को ले चलेगा तो वो सबसे पीछे चले। आगे की व्यवस्थाएं आप कर लें। यदि आपको प्रस्ताव पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो खारिज भी कर सकते हो। प्रस्ताव पास है कि खारिज है? पास है। तो कोई 11 तारीख को घर में तो नहीं रुकेगा? जो घर में रुकेगा आचार्य जी उसके घर में भूत भेज देना। परसों कोई घर में नहीं, और सुबह टाइम का ध्यान रखना। यदि 6 बजे अपन यहां से निकल गए तो ठीक ठंडे में अपन वहां पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम का एक मजा आएगा। लेट हो गए तो ठीक नहीं है, ये कह दिया। अब आप अपनी विधिवत घोषणा करो, कौन करेगा क्या करेगा आज। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी लोगों ने अभी महाराज श्री का संदेश सुना है। मैं चाहता हूं कि जो सागर में होगा पूरे भारत देश में ऐसा ही आचार्य जी का दीक्षा दिवस मनाया जाएगा, संयम महोत्सव मनाया जाएगा और 57 पालकी के साथ सागर में जैसा जलूस निकल रहा है वैसा ही जलूस गजरथ के साथ पूरा देश देखने को आतुर रहेगा, ऐसी हम सभी की भावना है। और आचार्य 57 परिवारों के नाम आप शाम को यहाँ पूज्य वर्ग सभी अभी लिखा दें। 57 परिवार के नाम, एक आपका शाम को नाम लिखा दें, फिर अपन मीटिंग में बैठ कर शाम को उनकी घोषणा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नाम लिख लें, जिनको भी नाम लिखाना है वो अभी आपके हमारे राजकुमार मिनी के पास लिखा दे, उनकी जो टीम है उसके पास लिखा दे, जिससे उनका शाम को जिज्ञासा समाप्त और दोपहर को 3 बजे इसी पांडाल में। भैया जी पहले से ऐसा डिसाइडेड है, महाराज श्री आहारों को निकलेंगे। हाँ, महाराज श्री आहारों को निकलेंगे। चर्या के बाद यहाँ पे मीटिंग है। महाराज श्री जब आहार चर्या को निकलेंगे उस समय पर आज पूरी सकल दिगंबर जैन समाज की समस्त ट्रस्ट कमेटियां समिति मंडल महिला मंडल सभी आज उपस्थित हैं। महाराज श्री को आज श्रीफल चढ़ाने के लिए भावना लेकर आए थे श्रीफल चढ़ाने, और इसके उपरांत समस्त महानुभाव यहां रुकेंगे और एक मीटिंग करेंगे, उसके उपरांत यहां से प्रस्थान करेंगे, ऐसी भावना है। आप सभी सामूहिक रूप से हाथों का श्रीफल अपने स्थान पर बनाए और महाराज श्री के श्री चरणों में चातुर्मास हेतु निवेदन, ये इतना बड़ा श्रीफल सागर पूरे सागर शहर का श्रीफल कि सागर नगर में महाराज श्री का चातुर्मास संपन्न हो, इस भावना के साथ हमारे ये पूरी सागर समाज का श्रीफल आप सभी महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी जी।